हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार आपके नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अभी हम जाने वाले हैं तिलई डैम, जो काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो चलिए वहां का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं और वहां के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम फाइनली तिलई डैम पहुंच गए हैं और ये आप हमारे बैकग्राउंड का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बेसिक जानकारी बताते हैं। तो तिलई डैम का जो निर्माण है वो 21 फरवरी 1953 ईस्वी को किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये आप लोग इधर का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर घूमने के लिए कुछ प्रशासन के द्वारा नियम और गाइडलाइन दिया गया है, जो इस बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं। इसको उल्लंघन करने पे यहाँ पे जुर्माना भी है, तो आप लोग अगर आते हैं तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक यहाँ पे घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। और आप लोग इधर का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है काफ़ी बढ़िया है और इसकी सुंदरता को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और इधर पर्यटकों को बैठने के लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। ये आप लोग तिलई डैम का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से पहुँचते हैं क्योंकि यह जो तिलई डैम है काफ़ी खूबसूरत जगह है और पिकनिक स्पॉट के नाम से मशहूर है। और दोस्तों, इस डैम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बनने वाला है, जिसे देखने के लिए आप लोग राजगीर जाते थे, वो अब आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो आइए और यहाँ पर घूमिए। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो डैम है वो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है और ये झारखंड का सबसे पुराना एवं बड़ा डैम है। और ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे सबसे अधिक भीड़ दिसंबर महीने में रहती है और यहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। ये जो जगह है वो पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों को मनोरंजन करने के लिए नाव की भी व्यवस्था है। यहाँ पे अधिकतर लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और दोस्तों, इस डैम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि यहाँ से लोकल एरिया को बिजली सप्लाई किया जाता है और यहाँ के किसानों को थोड़ा सिंचाई करने में इस डैम से मदद मिलती है। तो चलिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। और ये आप लोग ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क टाइप का बनाया गया है जहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो आइए और घूमिए और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर लाइएगा। और ये आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर भी घूमने के लिए और मनोरंजन करने के लिए झूले की व्यवस्था है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे घूमे, हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पे घूम करके और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।